कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत नावाडी एक में पूजा समिति द्वारा माँ दुर्गा पूजा उत्सव संपन्न करवाने के पश्चात बड़े ही धूमधाम के साथ नमाखों से माता रानी की विदाई करते हुए उनकी प्रतिमा को किया गया तालाब में विसर्जन। वहीं इस मंदिर के पुजारी अशोक हल्दर और पंडित जी शारदा पांडे ने बताया कि इस गाँव में आज लगभग 35 वर्षों से ये पूजा उत्सव लगातार किया जा रहा है और इस पूजा उत्सव की शुरुआत यहाँ के मुख्य पुजारी अशोक हल्दर द्वारा पुत्र प्राप्ति की कामना की गई थी और उन्हें पुत्र प्राप्ति होने के पश्चात आज 35 वर्षों से लगातार पूजा उत्सव किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष पूरे गांव, समाज और पूरे इलाके के लोग यहां इस उत्सव के मेले में पहुंचकर हर तरह से सहयोग कर माता रानी के इस उत्सव को सफल बनाते हैं। वहीं इस पूजा उत्सव के पश्चात पूरे हर्षोल्लास के साथ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर पूरे बैंड बाजे के साथ नाचते झूमते गाते हुए मंदिर से माता रानी की प्रतिमा को ट्रैक्टरों में सजाकर गांव के बगल स्थित भोक्ता आहार में माता रानी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। वहीं इस दौरान क्षेत्र की महिलाओं ने आपस में एक दूसरे के साथ सिंदूर का खेल खेलने के पश्चात माता रानी को पुनः अगले वर्ष फिर आने का अनुरोध किया, जहाँ कलश स्थापना की शुरुआत से प्रतिमा के विसर्जन तक मरकच्चो थाना प्रभारी सौरभ कुमार शर्मा ने पूरे दलबल के साथ और अपने थाने के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ इस उत्सव को मनाने में शांति व्यवस्था कायम कर भरपूर सहयोग किया। मौके पर स्थानीय मुखिया वैजयंती देवी, मुखिया प्रतिनिधि बसंत कुमार साव, भूतपूर्व मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र वर्मा, पंचायत समिति प्रतिनिधि सुरेश साव, पूर्व पंचायत टूप लाल साव, अनुपम हल्दर समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। हाँ पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम शारदा पांडे हुआ। शारदा पांडे, तो नावाड़ी में तो पूजा आप ही करवाए हैं? जी सर, हम आज विगत 35 वर्षों से मैं कराता आ रहा हूँ और अभी तक तो माँ की कृपा चल रही है और अभी तक हैं हम और आगे परमात्मा माँ की इच्छा। तो यहाँ पूजा का शुरुआत किस कारण से कैसे हुआ, ये इसके बारे में कुछ बताइए। पूजा का शुरुआत यहाँ हमारे डॉक्टर अशोक हल्दर को पुत्र नहीं था। अच्छा। तो ये अपना आवाहन किए थे माँ को, दृष्टि करवाए थे कि माँ अगर हमें पुत्र हो जाएगी तो हम दुर्गा पूजा करेंगे, 3 साल दुर्गा का मूर्ति लगाएंगे। माँ की कृपा हुई तो उनको पुत्र हो गया। तो जब 3 साल का बच्चा हो गया तब तो सोचे कि हमें देवी ने जो है चाहा और वरदान मिल गया तो हम उनका प्रति करें। फिर वो पूजा शुरू किए गांव के सभी मान्य व्यक्ति को बुला करके और सारी बातें रखा, कहा आप लोग अपना राय देंगे तो हम कर लेंगे। गांव वाले लोगों ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा है, तो शुरू हुआ और आज उस समय से ही जो है सो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कार्यक्रम, बढ़ता जा रहा है, कहीं कोई किसी प्रकार का अपनी घटना भी नहीं हुआ है और 35 वर्षों तक लगातार अभी तक पूजा में कहीं कोई बिघ्न नहीं है, कोई अशांति नहीं है। इस वर्ष भी बिल्कुल शांतिपूर्वक, बहुत शांतिपूर्वक, किसी प्रकार का कोई परिघटना नहीं, किसी प्रकार का कोई क्रिटिसाइज नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। हम लोग बहुत अच्छे से पूजा पाठ किए और विदाई भी बहुत अच्छा से किया हम लोगों ने। नावाड़ी में पूजा पहले ही हम शुरू किया था, गांव वाला को अनुमति लेके ही शुरू किया था और बहुत तकलीफ से 2 दिन साल हम लोग तो मैंने पूजा किया। अब बहुत खुशी है, मैं समूचा गांव वाला आस पास का बस्ती वाला सब आके बहुत खुशी से उत्सव मनाते हैं। बस इतना ही मेरा कमाना है, हम भी खुश है। लगभग कितने वर्षों पहले से शुरुआत? हाँ 35 वर्ष होने चला, इन सब 35 साल हो रहा। ये पूजा का शुरुआत तो आप पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर किए थे? ना, हम ऐसे मनोकामना था दुर्गा पूजा करेंगे, पुत्र कामना के लिए नहीं, हमको इच्छा था। हम हर साल मैंने जाता था सब गए बंगाल पूजा देखने के लिए, एक साल हम सोचा यार कहीं दुर्गा पूजा हम शुरू करेंगे, सबको अनुमति लेके तब तो बहुत अच्छा होगा। तो सबको अनुमति लेके अब दुर्गा पूजा शुरू किया, जाकर अब माँ दुर्गा का कृपा से आस पास का जितना बस्ती वालों है, माँ बहन है, सब बहुत बढ़िया से उत्सव मनाते हैं।